सेंट थॉमस स्कूल, एडमिशन ओपन फ्रॉम नर्सरी टू 9th एंड क्लास 11th। वोकेशनल शिक्षकों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ बोला हमला, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर वोकेशनल शिक्षक। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में वोकेशनल शिक्षा ठप हो गई है। सोमवार को वोकेशनल शिक्षक संघ के बैनर तले वोकेशनल शिक्षकों ने चौड़ा मैदान में धरना दिया। इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और स्थायी नीति की मांग उठाई। संघ के अध्यक्ष अश्विनी डटवालिया ने बताया कि कंपनियों के तुगलकी फरमानों से व्यावसायिक शिक्षक परेशान है। कंपनियां सरकार के आदेशों को भी दरकिनार कर रही है। सरकार ने कंपनियों को आदेश जारी किए थे कि 20 अक्टूबर तक व्यावसायिक शिक्षकों का एरियर जारी कर दिया जाना चाहिए, उसके बावजूद भी अभी तो कंपनियों ने एरियर जारी नहीं किया है। उन्होंने कहा कि ये कंपनियां मनमाने ढंग से वेतन प्रदान करती हैं, इसकी कोई समय अवधि भी तय नहीं है। इसके विरोध स्वरूप शिक्षकों ने हड़ताल करने का फैसला लिया है। हमारा यहां पर एकत्रित होने का मेन मोटिव ये है कि ये जो कंपनियों के थ्रू हमारे को रिक्रूट किया गया है स्कूलों में, ये कंपनियां अपनी मनमानी पर उतर आई हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि 28 तारीख को गवर्नर जी के और यहाँ सरकार की तरफ से आदेश हुए थे कि सैलरी एडवांस में दी जाएगी, परंतु हमारा जो शिक्षा मंत्री जी ने कहा था 4 तारीख को और 5 तारीख को डायरेक्टर महोदय के ऑर्डर हुए थे कि 20 तारीख से पहले इनका जो एरियर है अप्रैल टू सेप्टेम्बर का वो पेड किया जाए, परंतु कंपनियां अपनी मनमानी पर, क्या वो कंपनियां विभाग से ऊपर हो गई हैं, शिक्षा विभाग से ऊपर हैं या वो सरकार से ऊपर हुए हैं? सरकार जब आदेश कर रही है कि इनको जो एरियर पिछले 6 महीने का है, एडवांस देने की तो बात ही नहीं हो रही थी, जो अप्रैल से लेके सितंबर तक का एरियर था वो रिलीज करने के लिए कहा था 20 तारीख तक, परंतु जो एरियर होता है वो एक मुश्त होता है। जब सैलरी हमारी बराबर थी, एरियर हमारा बराबर होना चाहिए था, परंतु कंपनियों ने अपनी मनमानी करते हुए अलग अलग तरीके से डिडक्शन करके किसी को महीने की किस्त डाल के किया और 6 किस्तों में दिया, और परंतु अभी भी 2 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने अभी तक एरियर नहीं दिया है, जिससे कि 500 से 600 साथियों को हमारी दिवाली फीकी कर दी गई है। हालांकि सरकार चाहती है, हम सरकार का धन्यवाद भी करना चाहते हैं और शिक्षा विभाग का, कि उन्होंने हमारी बढ़ी हुई सैलरी लागू की और एरियर के लिए एक लेटर भी निकला था, परंतु ये जो कंपनियां हैं ये अपनी मनमर्जी कर रही हैं, उसी के विरोध में आज यहां पर पूरे हिमाचल प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षक एकत्रित हुए हैं और सरकार से सिर्फ एक डिमांड है, जब तक इन कंपनियों को बाहर नहीं किया जाता है, उसके लिए अगर हमें आश्वासन नहीं दिया जाता है तब तक पूरे के पूरे व्यावसायिक शिक्षक यहां पर एकत्रित रहेंगे, और हम एक आश्वासन चाहते हैं कि सरकार आए, उनकी तरफ से कोई हमारे लिए सकारात्मक परिणाम दे, तब तक व्यावसायिक शिक्षक यहीं पर डटे रहेंगे। कंपनियों के प्रति आज का भी और कल भी 2 दिन का यहाँ पर परमिशन है, तो 2 दिन तक हम यहाँ पर हैं। सरकार चाहे तो आज भी हमें घर भेज सकती है आश्वासन देके, परंतु अगर नहीं करते हैं तो हम, अगर कल भी बैठते हैं, अगर कल भी नहीं होता है तो हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। एक डिमांड बहुत ही साल से जो है सरकार, अलग अलग सरकारों के पास रही है, हम बहुत बहुत बार मिल चुके हैं, तो अब हम मिल के भी थक गए हैं, हमारी कभी इस डिमांड पे गौर भी नहीं किया गया है, तो इसीलिए हमें एजिटेशन करने पे मजबूर होना पड़ा, सड़कों पर आना पड़ा, छुट्टी लेकर के या अपने परिवारों को छोड़ करके, देखो बच्चों के साथ इनको आना पड़ा, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, जो शिमला की सब डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से आप देख रहे हैं सभी वोकेशनल ट्रेनर्स यहाँ मौजूद हैं। हमारी सर एक ही डिमांड है कि कंपनीज का कोई रोल नहीं है प्रोजेक्ट में, सीरियसली, तो आप कंपनीज को हटा करके इस प्रोजेक्ट को अपने अंडर ले लीजिए, और एजुकेशन डिपार्टमेंट में आप अगर डायरेक्ट नहीं हमें ले सकते हैं तो किसी पॉलिसी के अंडर हमें मर्ज कर सकते हैं, यही डिमांड। हम अपनी सेवाएं जो है स्टेट कार्यकारिणी के अंदर देंगे। सर के सरकारी जो हमारे जो हिमाचल के सरकारी स्कूल हैं, हम वहाँ कार्यरत हैं और हम भी सरकार, ये हिमाचल के ही बोनाफाइड हैं, और जो जिन बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं वो भी हिमाचल के ही बच्चे हैं, तो हम कहाँ से सेंटर के हुए, हमारे साथ ऐसा भेदभाव क्यों? सरकार, हम सरकार के ही बच्चे हैं यहाँ सारे, तो सरकार हम पे ध्यान दे और हमें अपने अंडर ले। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।